वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। यहाँ पर हम क्लास 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर दिए हैं उनके इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके एक्सरसाइज एग्जांपल्स में जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनको लेंगे और उसको सॉल्व करके आप लोगों को देंगे। इसी के दौरान हम लोग यहाँ पर आज क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है पॉलीनोमियल उसको लिए हुए हैं और आज हम लोग पॉलीनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो पॉलीनोमियल जो हमें लिए हुए हैं या पहले भी क्लास 8, 9 में भी पढ़े हुए हैं उसी बात को यहाँ पे आप जो हम लोग का पॉलीनोमियल है उसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में जस्ट उसका ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर देंगे, आप पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट पूरा 8, 9, 10 जितने भी बातें हैं वो सारा का सारा इसी फ्लो चार्ट में देख लेंगे। तो पहला बात है कि पॉलीनोमियल होता क्या है। पॉलीनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सवाल उठता है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जैसे देखिए 2x² + 3x + 2 ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2√x + 3 ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है वेरिएबल नंबर और यहाँ पे वेरिएबल नंबर और मैथमेटिकल साइन तीनों एक साथ लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल साइन में क्या ले सकते क्या क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब होता है और नंबर में रियल नंबर्स होगा 2, 3, √2 जो भी रियल नंबर है रेशनल इरेशनल उसके उसको हम लोग नेक्स्ट जब रियल नंबर चैप्टर का एक्सप्रेशन करेंगे उसमें आपको मिल दिया जाएगा। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या होगा आपका वेरिएबल नंबर और मैथमेटिकल साइन। ये सब का सब जो है क्या है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक और ले लेते हैं रूट इसको दूसरा लेते हैं x^1/2 + 3 ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए 1/y + 2x ये भी क्या है एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जितना हम लिए हैं सब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर और वेरिएबल वेरिएबल के रूप में है एक्स लिए हुए हैं, यहाँ पे वाई और एक्स दोनों लिए हुए हैं। आप एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक से अधिक भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसके साथ नंबर और मैथमेटिकल साइन है। प्लस लिए हुए हैं, माइनस भी हो सकता है आपका, जरूरी नहीं सब प्लस होगा, माइनस ले लिए। जैसे मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस भी जुड़ा हो सकता है। प्लस जो मैथमेटिकल साइन है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये चारों जो है हो सकता है साइन और उसके साथ वेरिएबल और वेरिएबल के रूप में एक्स वाई जेड जो अननोन क्वांटिटी एक्स वाई जेड के रूप में लेते हैं हम लोग जो लेटर है उसको लेते हैं। तो ये हम लोगों के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जितने होते हैं वो सभी के सभी पॉलीनोमियल नहीं होते। पॉलीनोमियल होने के लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर और वेरिएबल प्लस माइनस से जुड़े हुए उसको टर्म बोलते हैं। कितना टर्म है 1, 2, 3 जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल है उसका पावर यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है मतलब 0, 1, 2, 3 जो होल नंबर है वह पावर होता है तो उस तरह के एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलीनोमियल कहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो 3 टर्म दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसमें पावर क्या है 2, 1 है कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो पावर जो है आपका क्या हुआ होल नंबर है। यहाँ पर भी जो √x का मतलब क्या होता है x^1/2 तो x का पावर जो हो गया वो होल नंबर नहीं रहा इसलिए ये आपका पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ पे बट फ्रैक्शन में है डिवाइड में है ये तो ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा -1 ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए x^1/2 है ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ भी 1/y है इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो आपका y^-1 हो जाएगा ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। पॉलीनोमियल होने के लिए जो पावर है वो क्या होना पड़ेगा होल नंबर होना जैसे ये एक पॉलीनोमियल यहाँ पे लिया है। तो देखिए सारे के सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होते हैं। पॉलीनोमियल होने के लिए पावर क्या होना पड़ेगा होल नंबर। तो जैसे आपका ये पॉलीनोमियल हो गया 2x² - 3x ये भी पॉलीनोमियल है। 2x + -9 ये भी पॉलीनोमियल है। √2x² + 3 ये भी पॉलीनोमियल है। तो यहाँ पे हम जितना भी लिए हुए हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें जो वेरिएबल है एक्स और हम लोग का जो एनसीईआरटी
जो पॉलीनोमियल चैप्टर दिया हुआ है उसमें हम लोग पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल लेना है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी एक वेरिएबल वाले ही पॉलीनोमियल लिए। ये जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल ही होना पड़ेगा पॉलीनोमियल होने के लिए, एक से अधिक वेरिएबल भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो क्लास टेन में जो दिया हुआ है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए हम भी जो भी पॉलीनोमियल लिए हुए हैं उसमें वेरिएबल क्या है, वह एक है। तो ये भी तीन टर्म है, तीनों टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, टू, यहाँ वन है यहाँ भी टू है, ठीक है। तो जो टू वन जीरो फिर वन, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे टू है फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब जीरो है। तो जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये पॉलीनोमियल है। तो सारे के सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होते हैं, लेकिन सारे पॉलीनोमियल आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब पॉलीनोमियल में जितने भी टर्म होते हैं उस टर्म में जो वेरिएबल का हाइएस्ट पावर होगा उसको डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यदि किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री, मतलब उस पॉलीनोमियल का वेरिएबल का जो हाइएस्ट पावर है वो वन हो, तो उस प्रकार के पॉलीनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे देखिए 2x प्लस 3 ये लीनियर पॉलीनोमियल है, 9y प्लस है माइनस ले लेते हैं, हर में प्लस लेने से क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन होगा, हमेशा प्लस ही होते लेते हैं, प्लस जरूरी नहीं है, प्लस मैंने दो भी ले सकते हैं, माइनस 2, ये भी आपका क्या है लीनियर पॉलीनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री वन है। और हम लोग अभी आप तौर पर बताए हैं कि जो पॉलीनोमियल हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्लास टेन में जो दिया हुआ है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे वो सभी का सभी में एक ही वेरिएबल होगा, जिसमें से एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और यहाँ पर डिग्री वन है इसलिए लीनियर पॉलीनोमियल है। और यदि डिग्री टू हो, यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री जो है डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल कितना होना चाहिए, वन, यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ डिग्री पॉलीनोमियल क्या होना चाहिए, टू। तो क्वाड्रेटिक होगा, जैसे देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री टू है, ये भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री भी ले सकते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, डिग्री टू है, वेरिएबल एक्स लिए वाई भी ले सकते हैं आप। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो एनसीईआरटी बुक में दिया है पॉलीनोमियल उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया गया है, इसलिए हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे एक वेरिएबल ले ही लेंगे। इसमें डिग्री टू है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहेंगे, जिसमें डिग्री थ्री है, यहाँ पे डिग्री कितना है सिंपली लिख देते हैं, डिग्री पूरा नहीं लिखता सेंटेंस, टू है तो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री थ्री होने से क्यूबिक होगा, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर डिग्री थ्री, अब मान लीजिए यहाँ भी स्क्वायर दे दिए कोई बात नहीं, थ्री एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स, डिग्री जो है थ्री है इसे क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, नाइन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन, ये भी आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल डिग्री थ्री है। तो यहाँ पे डिग्री कितना होता है आपका थ्री। अभी देखिए जनरल फॉर्म जो लीनियर पॉलीनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म जो है, ये से याद रखिएगा, जो जनरल फॉर्म होता है इसका वो आपका होता है ए एक्स प्लस बी, जैसे वेरिएबल के रूप में यहाँ पे एक्स लिया, और ए और बी क्या है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। वैसे ही इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कहते डिग्री पूछा जाए, जनरल फॉर्म पूछा जाए, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर भी ए बी सी क्या रियल नंबर है, और यहाँ पर भी ए जीरो नहीं हो सकता। और क्यूबिक पॉलीनोमियल का यदि जनरल फॉर्म पूछा जाए तो अब क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी जो है रियल नंबर है, और यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, देखिए ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये पॉलीनोमियल हमको मिलेगा उसमें डिग्री टू रहेगा, तो इसलिए डिग्री टू रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। कभी कभी आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है कि यदि इफ ए इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल हैपन, तो आपको लिखना होगा ए यदि जीरो हो जाए, इफ ए इक्वल टू जीरो देन द क्यूबिक पॉलीनोमियल कन्वर्टेड इंटू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सेम यहाँ पे भी यदि ए जीरो हो जाएगा तो ये
लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि ए जीरो हो जाए तो यहाँ वेरिएबल रहेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता देखें, पॉलीनोमियल क्या है ये देखें, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, उसके बेस पे ये हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका देखेंगे कि पॉलीनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका ग्राफ में यदि हम लोग उसको प्लॉट करेंगे कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बेल आइकन भी उसमें क्लिक कर लीजिए, जैसे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपको मिल जाए वो ना, और एक लाइक भी कर दीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा, और लोगों को भी ये जो पॉलीनोमियल है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जितने भी वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत तरह से बातें बताया जाएगा, पॉलीनोमियल को यदि बताने का बहुत सा तरीका है, लेकिन हम आज बताए हैं बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलीनोमियल कब होता है, पॉलीनोमियल को लीनियर पॉलीनोमियल कब कहते हैं, किस प्रकार के पॉलीनोमियल को लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, किस प्रकार के पॉलीनोमियल को कहते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल किस प्रकार के पॉलीनोमियल कहते हैं, ये डिग्री के आधार पर, ठीक है।